हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1188th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। पारिक ब्रदर्स प्रेजेंट्स राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक। अ बिग थैंक यू टू हेम्पोराइट निधि राठी, ऑल्सो LIC बोले तो विनय साहू, एंड ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू अंतरा मल्टी सर्विसेज बाय रुपेश पांडे, विच इज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ लेडीज आउट देयर व्हेन इट कम्स टू मुद्रा लोन्स एंड बिजनेस लोन्स। ऑल्सो कट्स एक्सक्लूसिव सलून ऑफ द नागपुर सिटी, वेरी लग्जूरियस एंड हैज यू नो देयर वन ऑफ देयर फ्लैगशिप स्टोर्स इन सदर विच इज नाउ रेनोवेटेड ऑल्सो। हमारी आज की मेहमान जो है वो झांसी की रानी है, झांसी की प्रिंसेस है, लेकिन अब नागपुर में रहती हैं। एक इंजीनियर है, एक MBA है, एक होममेकर है, एक बिजनेस पार्टनर है, जहाँ पर हस्बैंड जो है वो दुनिया के उन चुनिंदा मीनो पुरुषों में आते हैं जो, या नागपुर के उन चुनिंदा पुरुषों में आते हैं जो बड़े खूबसूरत दिखते हैं। एंड प्लीज वेलकम द गर्ल विद अ गोल्डन स्माइल, प्लीज वेलकम अलीशा राय, नाउ अलीशा जायसवाल। हाय अलीशा। Hi Raj. Welcome to Raj Ki Baat. Thank you so much for having me here. So do you remember Alisha Rai by any ways? Of course. How can I forget Alisha Rai? So how was she? She was amazing, obviously. Uh-huh. Some beautiful, beautiful memories. Mm-hmm. And childhood ki memories kiski achhi nahi hoti. Mm-hmm. I was a very pampered baby, mm-hmm. close to my parents' hearts. And every kid is very close to their parents' hearts, obviously. So jab jhansi ke din yaad aate hain, तो कैसा लगता है, क्या क्या चीजें याद आती हैं झांसी की? बहुत ही नॉस्टैल्जिक लगता है। mm-hmm. सबसे पहले तो ये विंटर्स याद आते हैं, क्योंकि नागपुर में अभी जो टाइम चल रहा है, दिस इज मोर ऑर लेस क्लोज टू व्हाट झांसी के विंटर्स यूज्ड टू बी। एंड देन वो फैमिली के साथ बैठना, वी आर लाइक डेजर्ट पीपल, बहुत सारा मीठा खाना एंड देन बहुत बातें करना विंटर्स में, कोजिंग विद इन द ब्लैंकेट विद एवरीबॉडी एल्स, ऑल कजिन्स। देन स्कूल याद आता है, माय स्कूलिंग हैज बीन फ्रॉम झांसी एंड आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर, सो आई हैव वेरी वेरी एंडलेस मेमोरीज एंड इट इज ऑलवेज नॉस्टैल्जिया। सो एज अ चाइल्ड व्हाट वाज द ड्रीम, व्हाट यू वांटेड टू बिकम, एस्पिरेशंस क्या थे? एज अ चाइल्ड आई वाज अ टिपिकल बेबी, अ टिपिकल किड who always wanted to be an engineer or a doctor. So I opted for both maths and science. Ended up being an engineer from Nagpur, Ramdev Baba. Then as a kid I was a very studious baby. मतलब मुझे ऐसा लगता था शायद पढ़ के ही सारी चीजें अचीव हो जानी लाइफ में, which to some part it is true, but I would say कि street knowledge is always important too. But then You did, you know, a lot of studies at Jhansi, but then you came to Nagpur for engineering. Yeah? Why? Jhansi mein achhe engineering colleges nahi hai ya admission nahi mila? Nahi, Jhansi mein hai, but MSCT mein mera engineering mein Ramdev Baba was one of the shortlisted colleges. Okay. So I came here. And family mein koi Nagpur mein janta tha kisi? No one. Just a friend, my dad's friend was in Nagpur. Uh-huh. And he also helped me through admissions thoda. Okay. So he was here. I wanted computer science. But I got IT. Achha. So I had to work even harder first year to get into that. तो जब नागपुर आई तब झांसी और नागपुर में क्या चीजें बड़ी समांतर लगी और कौन सी चीजें पूरी पोल सपाट लगी? हमेशा से पोल सपाट ही थी। झांसी has been totally different from what Nagpur is. In terms of language, in terms of food, in terms of how people have been brought up here. Marathi plays a very important role here, right? Absolutely. And I don't know how to speak Marathi. So, जब मैं यहाँ पर आई तो language played a very important role. And college में भी Maharashtra में बात करना was considered very normal. So, right. हमको थोड़ा सा वो करा जाता था कि ये north वाले हैं. But then it was a great experience overall. The college was great. The faculty was outstanding. जब नागपुर आई तब ये कौन से साल की बात है? This is 2004. So 2004 से लेके अब तक, मतलब पिछले 18 सालों में आपने नागपुर को कैसे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा? How do you see Nagpur now? Nagpur has transformed drastically. When we were here, Nagpur में शायद तब मुझे पसंद नहीं था, by the way, Nagpur. Okay. But then now over time, I've really started loving the city. I cannot imagine myself living anywhere else. तब Nagpur में बहुत कम outlets थे, Harry's, Hotspot, Haldiram's. One of the few places we used to hang out. CCD played a very important role then. Yeah. But up it has grown. Nagpur has been always a growing city. So yeah, opportunities bahut hai, growth
ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट ओवरऑल भी द ग्रोथ हैज बीन गुड. तब बहुत कम लोग भी थे, बहुत स्लो था नागपुर. इट इज स्टिल वेरी स्लो बाय द वे, बट आई स्टिल लव नागपुर. बट देन when you did your engineering, what made you do an MBA? वो MBA क्यों करने गई आप? मैं I was placed in one of the highest paid campuses in रामदेव बाबा, but I always wanted to pursue MBA क्योंकि मुझे लगा once I got married and I belong to a business class family, typical business class family, where job करना was not an alternate that we were given. तो it was like कि business तो हमेशा से करना था. अगर अभी MBA नहीं करा और अगर अभी शादी हो गई तो बाद में करना would have been really difficult. True. So I thought why not just you know start and end your entire education and then start all together. अच्छा, जब ये पूरा चल रहा था, इंजीनियरिंग चल रही थी, एमबीए चल रहा था, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था? इंजीनियरिंग और एमबीए में सिर्फ पढ़ाई चल रही थी, पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत घूमना फिरना चल रहा था, खाना पीना बहुत चल रहा था, बिकॉज मैं दिल्ली में थी और माय फैमिली इज देयर, सो और माय ब्रदर्स आर देयर, तो आई यूज्ड टू लिव विद फोर ब्रदर्स, तो हम लोग घूमना फिरना खाना पीना. तो ऐसा नहीं लगा कि दिल्ली में ही रुक जाऊं? ओह, आई वांटेड टू. मेरा फैमिली यहाँ कोई भी नहीं था नागपुर में था जी, और मैं हमेशा से चाहती थी कि नागपुर में दिल्ली में ही सेटल हो जाए, बट प्रोबेबली आई हैड टू कम बैक. व्हाई? डेस्टिनी. ओके, एंड हाउ डिड दैट वर्क? That worked typically through it was an arranged marriage, entirely arranged marriage. So through pandits and stuff and all that kundli stuff. After that, Sahil was the first person I met, and it clicked, and we got married. But then a lot of people, when they meet you and Sahil, they probably think that it's a love marriage. They do. They do. Almost everybody thinks that. So it's been how many years? It'll be 12 years in June. 12 years now. ओके, एंड नागपुर का, नागपुर के लड़के की कौन सी बात अच्छी लगी? व्हेन द यू नो द रीजंस यू हैव टू से यस, द सिंपलिसिटी. ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, एंड बाद में पता चला वेरी रेजिलिएंट वन आल्सो, द काइंड ऑफ पेशेंस ही हैज, द काइंड ऑफ द वे ही डील्स विद लाइफ इज रिमार्केबल. सो दैट वाज समथिंग दैट उस समय तो इट वाज जस्ट हाउ हंबल एंड हाउ सिंपल ही वाज, एंड आवर व्यूज मैच्ड. सो an engineer goes to Delhi for MBA, completes her MBA, gets married, comes to Nagpur, and then gets into health industry, and because as a gym consultant, you know, fitness and gym consultant. How did that happen? That happened because both of us are like crazy fitness enthusiasts. I have always been into fitness after 10th standard. Mujhe, I was a very chubby baby by the way. Till 10th, I was very chubby and healthy and fat, I would say. Once I got to know what fitness is and how important it is, I always stuck by it. And this is a passion project, both of us. So, fitness mein to aaj nahi to kal utarna hi tha. So, sooner or later. Ye jo concept hai, hashtag gymterior, ye kya hai? Hashtag gymterior launch hua hai COVID ke time. COVID mein aapko ye to samajh mein aa gaya hoga ki how important fitness is. And aapko aapki health ka importance kyun badh gaya, kyun rakhna chahiye. तो वी व्हाट वी केम अप विद कि आप बाहर नहीं जा पा रहे थे, बड़े लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो घर में ऐसा क्या करें कि आप फिट भी रहें और उसे एंजॉय भी करें. तो वी केम अप विद जिमटीरियर. जिमटीरियर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जिम एंड इंटीरियर. हम आपको फ्रॉम स्क्रैच सब बना के देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 square feet. तो आप घर में व्हेन यू हैव अ जिम और एनी फिटनेस स्पेस, आई वुड से वी जस्ट डोंट डू जिम्स, वी मेक एनी फॉर्म ऑफ फिटनेस स्टूडियो दैट यू वॉन्ट एट होम विद ऑल द इंटीरियर. तो आपको अगर फैमिली के साथ टाइम भी देना है, फिट भी रहना है, और आप चाहते हो कि आपके पास टाइम बचे, प्राइवेट टाइम भी ना वेस्ट हो, तो इन दैट केस मेक अ जिम और अ फिटनेस स्पेस एट होम. दैट इज वेयर द होल आइडिया ऑफ जिमटीरियर की. बट देन इन अ सिटी लाइक नागपुर, दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट, इज इट वर्किंग? इट एक्चुअली इज. वी हैड सो मेनी क्लाइंट्स जिनके घर पे हमने जिम्स लगाए एंड प्रॉपर जिम्स ही लगाए. किसी ने क्रॉसफिट एंड जिम का कॉम्बिनेशन लिया है, तो किसी ने योगा एंड जिम का कॉम्बिनेशन लिया. सी, कार्डियो इटसेल्फ इज नॉट इनफ, राइट? यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आल्सो. तो अगर आप वो करते हो तो इट कीप्स यू हेल्दी, राइट? एंड आप एक्सरसाइज से क्या मिलता है आपको? एंडोर्फिन्स, डोपामाइन. तो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट यू विल बी हैप्पी. एंड कोविड के टाइम से आपको समझ में आया होगा कि माइंड का हेल्दी रहना भी कितना जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ रिलैक्स्ड. एंग्जाइटी,
पैनिक अटैक्स, ये सब टर्म्स पहले शायद कोविड का कोई जानता भी नहीं था, बाद में आए. तो इफ यू कीप वर्किंग आउट इन सम फॉर्म ऑफ द अदर, दैट इज वेयर यू गेट यू नो फिट मेंटली ऑल्सो. तो इसलिए हम लोग जब घर पे, लोग खुद हमारे पास आते थे सेइंग कि आप पूरा कॉन्सेप्ट यू जस्ट डिजाइन अ जिम फॉर अस और फिटनेस स्पेस, एंड देन दे यूज्ड टू लव वर्किंग आउट. बट देन लोगों को ऐसा लगता है, एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि दिस आई फिटनेस थिंग, द कंपनी यू हैव, द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ जिम इंटीरियर, यू नो जिम एट होम, ये बड़ा महंगा है. क्या ये महंगा है? आपका फोन कितने का है राजी? 35,000. राइट, ठीक है. और आजकल आईफोन कितने लोगों के पास होंगे? बहुत सारे लोगों के पास. एक आईफोन कितने का आता है? मिनिमम 1 लाख. हमारा स्टार्टिंग ऑफ जिम इंटीरियर कॉन्सेप्ट इज 1.5 लाख, दैट ऑल्सो विथ EMI ऑप्शंस. तो अगर आप 1.25 लाख में फोन 1 लाख में ले सकते हो, तो 1.25 लाख में आप अपनी बॉडी का ख्याल तो बिल्कुल रख सकते हो. एब्सोल्युटली. सो दैट इज व्हाई पीपल डोंट थिंक इट्स एक्सपेंसिव, बिकॉज वी आर गिविंग यू बोथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो इन 1.25 लाख ओनली. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है जिम एट होम का, ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके हिसाब से? क्योंकि जब कोई जिम जाता है तो एक अलग उसको एम्बियंस मिलता है, अलग लोग मिलते हैं, वो सोशलाइज करता है. लेकिन जब वो घर में जिम करता है तो वो सिर्फ अकेला ही रहता है और वो वर्कआउट करता है और बस, तो उसको वो सोशलाइजिंग करने का मौका नहीं मिलता. सी, सोशलाइज तो आप हमेशा ही कर सकते हो. यू कैन गो आउट इन द इवनिंग्स, यू कैन गो आउट इन द मॉर्निंग्स, हैव ब्रेकफास्ट डेट्स, हैव इवनिंग कॉफीज. बट जब आपको टाइम मिलता है अपने घर में सबके साथ स्पेंड करने का, तो आप अपनी फैमिली के साथ एक्सरसाइज करो. वो इट विल गिव यू टाइम टू बॉन्ड विद योर फैमिली, एंड इट एक्चुअली हैज हैपेंड. और आपको क्या पता कि विद न्यू वेरिएंट्स राइजिंग एवरी डे, कब आप फिर से घर पे लॉकडाउन हो जाओ. ओह माय गॉड, नो दैट. शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए. सो इन दैट केस इट इज ऑलवेज बेटर कि सी आप बाहर जाइए, बिल्कुल बाहर जाइए, आपको चाहिए आप जिम भी बाहर करिए, बट हैविंग एन ऑप्शन एट होम डजंट हर्ट एनीवन, राइट? एंड विद दैट प्राइसेस इट्स नॉट हर्टिंग योर पॉकेट आइदर. You are very opinionated. I mean, you have an opinion, you have a perspective, a thought. I would really like to ask you a few things, and I really want you to put light over it. समय के साथ वक्त जब बदलता है तब समाज भी बदलता है. समाज के अंदर में बहुत सारी चीजें बदलती हैं, महिलाओं को लेकर, लेडीज को लेकर, लड़कियों को लेकर चीजें बदली हैं. There are a lot of girls out there who are very focused with their careers and don't want to marry. What do you think about that? Everyone is entitled to their opinion, right? अगर आपको शादी करनी है या शादी नहीं करनी, this is a very very vast topic. But personal, on my personal view, you married for companionship. It is something that is endless, right? It is for love. It is for everything that you would ever dream of. तो अगर आपको शादी, there are some people who are not happy in the marriage. True. So I would never recommend somebody to stay in a toxic relationship. But getting married is also a totally different experience. A very good one. So, what do you think about single mothers? Single mothers, I'm like really proud ki me having I have a five month old son, so I know how difficult it is to take care of a kid with family. And single mothers, I'm like, it's like hats off to them ki wo kar pa rahe, and it is very good. And unke, I'm sure the kids they raise will be much as strong as the moms. Child adoption? Child adoption, I'm always go for it. Because I believe ke you don't pick a child, a child picks you. If it is your child, if it is an adopted child, a child always picks their parents. So aap ek child ko agar adopt karte ho, isse achhi koi baat hi nahi ho sakti. You're giving them a home, a roof over their head, so much love in your family. And I have so many friends who've done that. And I would have done it. But so in any case, so in that case, I believe ke adoption is also a very beautiful thing. And अगर आप ये चीज करते हो तो you are just thanking the society in some way or the other. Do you have a political opinion? Not really. I'm not a very politics wala person at all. But do you vote? I voted Modi ji. And I believe that he's working for a good cause. I believe he is. A lot of people are totally anti what he does, but I don't believe that. He's working for the benefit of the entire nation, and he's actually doing a lot of good also. A lot of families are still, you know, in a mindset that they don't allow, you know, women at home to go outside and work. Any message for them? I have a clear message for them ki if you're given an opportunity, please always go out and do something that you really love. It could be anything. Being a homemaker is also a beautiful thing to do. And taking care of a family
इज वेरी वेरी थैंकिंग. सो अगर आप वो भी करते हो इट इज गुड, बट अगर आपकी फैमिली इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, आप फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, आपके इन लॉज के साथ मिलके काम करते हो तो इट्स जस्ट दैट यू हेल्पिंग ईच अदर आउट. सो गिव अ चांस, नेवर नेवर एवर ड्रॉप दैट. मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, या सो हस्बैंड लर्न्स अ लॉट फ्रॉम वाइफ एवरी डे. व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम योर हस्बैंड? व्हाटएवर आई एम टुडे, आई बिलीव मैंने अपने हस्बैंड से ही सीखा है. ही हैज ऑलवेज मोटिवेटेड मी टू गो आफ्टर व्हाट आई वांटेड, एंड दैट ड्राइव दैट इज एक्चुअली पुट इनटू मी हैज ऑलवेज मेड मी अचीव थिंग्स, एंड ही हैज पुश्ड मी टू डू थिंग्स आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. सो whatever has happened today, whatever in 10 years I've become, it's all because of my husband. You are also a part of BNI. Yes, I am. How's the experience? Experience has been great. You get to learn so many new things. Meet so many new people. The chances of networking are very high. And for any business that is new or old, BNI is the perfect platform for that. Mera aakhri ke do sawal. What's the dream? The dream is to become one of the biggest fitness enthusiasts in India. To make sure that people, kids from 5-year-old, actually even 3-year-old, to 70-75-year-old, can come to one place under our roof and work out in any way they want. It doesn't have to be a gym, it could be just anything they want to. And we aim to achieve that very soon. Agar zindagi ki ek sunehri kitab likhi gayi, उस किताब में एक सुनहरे पन्ने पर, सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा गया, अलीशा राय जायसवाल, उसके नीचे वो कौन सा थॉट, वो कौन सा पर्सपेक्टिव, वो कौन सा कोट लिखे रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? कौन सा? I'm such a quotes person, so fit is the new rich. Fit is the new rich. Yeah. I totally support you with this thought. I think वाकई में जान है तो जहान है, और वाकई में अगर लोग फिट हैं तो यू नो जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं. आप जो करना चाहते हैं वो आप पक्का करेंगे, इसका पूरा विश्वास है मुझे. एंड आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, ऐसे ही अच्छा काम करती रहें, ऐसे ही इंस्पायर करते रहें. दैट्स द थॉट. थैंक यू सो मच फॉर यू नो बींग ऑन द शो, एंड आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अलीशा राय जायसवाल से बात हुई, मुलाकात हुई, शी वॉज अ गेस्ट ऑन वुमेन ऑफ द ईयर शो. एक चीज जो यू नो सुनहरी किताब में लिखा जाएगा जिंदगी की, जब अलीशा राय जायसवाल का नाम टॉप पर रहेगा, उसके नीचे लिखा रहेगा फिट इज द न्यू रिच. हकीकत जो है वो यही है कि कोविड के पहले हमारी जिंदगियां बहुत अलग थी. कोविड के दौरान हमने अपनी जिंदगी को अलग रूप में देखा, एक अलग रंग में देखा, और शायद उसके बाद हमें बहुत सारी चीजें समझ में आई. हाँ, ये बात अलग है कि हम सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उस वक्त आप देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डॉक्टर के पास जाना उनका एक शौक है एक तरीके से. उस समय बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जो जिनको डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी. उसका रीजन पता है क्या था? वो घर पे अपने परिवार के लोगों के साथ थे, और दूसरा ये कि वो घर पे एक्सरसाइज किया करते थे और अपने पे ध्यान दिया करते थे. सबसे खूबसूरत बात ये कि जिस तरह इस वक्त मुझे एक धक्का लगा ये सोचते हुए कि अगर हम फिट नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे. आपको भी लगता होगा, आप भी सोच में रहते होंगे, लेकिन इस सोच के आगे आप क्या करते हैं, आप जिम ज्वाइन करते हैं. लेकिन सोचिए अगर आपने घर में जिम बना लिया तो उसके फायदे क्या है? आपका पूरा परिवार मिलकर वर्कआउट करेगा, अपने समय अनुसार वर्कआउट करेगा, और आपका परिवार एक फिट परिवार कहलाएगा. उम्मीद है आपको हमारी आज की मेहमान अलीशा राय जायसवाल की बात समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो आप इस इंटरव्यू को दोबारा देखेंगे, शेयर भी करेंगे ताकि और भी लोगों को आप समझा सकें. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं. और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो आपको बार बार वर्कआउट करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है, फिट रहने के लिए इन्फ्लुएंस करती है, तो समझ लीजिए वो अलीशा राय जायसवाल बन रही है. जिंदा रहें. जय हिंद.